गाइस, वेलकम बैक टू बियॉन्ड माय लिमिट ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड हम भी यहाँ पर एकदम फिट एंड फाइन हैं। और मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ अभी टेंपल। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल। काम करती करती ना ब्लॉगिंग भी करना चाहिए, है ना। तो मैं जाती हूँ अभी मंदिर, जाके आती हूँ। आज बहुत लेट हो गया यार, आज सच में बहुत लेट हो गया। अब ताला कैसे लगाऊँ? कैमरा पकड़ू या ताला लगाऊँ? तो चलो 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 चलो, अभी मेरे साथ चलो मंदिर और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जय श्री राम बोलकर, क्योंकि मैं जा रही हूँ। आज ट्यूसडे है जैसा कि आपको पता है, तो ट्यूसडे के दिन मैं जाती हूँ श्री राम जी के मंदिर। वहाँ बजरंगबली भी है और कल है रामनवमी, उसके बारे में भी मुझे कुछ पंडित जी से पूछना था, तो जाके आते हैं। ये गेट ना हमारा बहुत टाइट है यार, सच में बड़ा गुस्सा आता है मुझे इस गेट के ऊपर। तो चलो गाइस, बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं आज का दिन कैसे बीतता है। चलो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। जय श्री राम। हमारी पूजा हो गई है और ये देखो पूरा पूरा मंदिर देखो, बाहर पूरा अच्छे से सजाया है। और कल है कल्याणम, 11:45 हमें आना है, 11:30 11:45, और वो चलेगा करीब 2 बजे तक। और उसके बाद होगा अन्नदानम। तो कल ये सारी चीज़ें हैं मंदिर में, कल मंदिर में प्रोग्राम है तो इसीलिए मंदिर को देखो सजा रहे हैं अभी, और बहुत काम बचा है। पंडित जी बोल रहे थे, आई एम तो ऑलवेज एक्साइटेड भाई, मैं थोड़ा मुझे अच्छा लगता है आजकल, यू नो पूजा से रिलेटेड चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यस, हमारी पूजा हो गई है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली। तो चलो अब चलते हैं घर की और करना है अभी ऑफिस का काम, तो अब दूसरा कर्म करने चलते हैं। मंदिर में ना ये एक पैम्फलेट दिया उन्होंने हमें, मतलब कल जैसे रामनवमी है ना, तो उसका डिटेल्स है कि कितने बजे पूजा शुरू होगी, अन्नदानम कब होगा, कल्याणम कब होगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं वापस पंडित जी के पास गई और मैंने बोला क्या लिखा है इसमें, तो पंडित जी ने बताया आप ज़्यादा पढ़ तो सकते नहीं आप ये तेलुगू, तो आप एक काम करो 11:30 11:45 आ जाओ कल्याणम के लिए। ओके, तो देखो अब ये प्रॉब्लम आती है हमें तेलुगु नहीं आने से, साउथ इंडिया में रह के। वैसे मुझे थोड़ी बहुत बोलने आती है बट पढ़ना तो यार, मतलब मैं ऑलरेडी केवीज में पढ़ी हूँ, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, तो मुझे कहाँ आती है तेलुगु पढ़ने, बट टाइम का पता चल गया, इतना ही काफ़ी। देखो कल रामनवमी है और उसके बाद 20 यहाँ पे लिखा है, डेट तो पता है मुझे, 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो उसका डिटेल्स भी इसमें दिया है, उस उनका भी पूजा का डिटेल्स दिया, तो दोनों का। तो तेलुगु साउथ इंडिया में हो, तेलुगू मेरी बेटी लेकिन तेलुगू पढ़ती है स्कूल में, मैं उसको कंपलसरी किया है मैंने, तेलुगू पढ़ना ही पढ़ना है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो ना, वहाँ की लैंग्वेज आना इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, इट्स अ बिग एडवांटेज, आपके लिए अच्छी चीज़ है अगर आपको स्टेट की लैंग्वेज आती है। कभी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, कभी आप अगर कोई यू नो बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उसमें आपको मतलब वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने परी को रखा है कि उनको था ऑप्शन संस्कृत लो या तेलुगु लो, मैंने बोला तेलुगु लो क्योंकि संस्कृत तो भी हम लोग घर में बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं हमारे घर में, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन तेलुगु आपको स्कूल में ही आप सीख पाओगे क्योंकि मुझे भी नहीं आती और ना मेरे हस्बैंड को आती है, तो स्कूल में ही वो सीख सकती है। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी लिखना पढ़ना बोलना सब जाने तेलुगु में। ये हमारा कल की पूजा के लिए आ गया है, फूल पान पत्ता मिठाई सब आ गया है। और देखो परी क्या लेके आ गई, ये सब गए और ये सब ना, ये क्या है परी? अच्छा ये वाटरमेलन है, वाओ। वो बस ऐसे ही है, ये देखो निकालने से असली, ये जेली है क्या कुछ? हाँ। और ये दूसरा वाला
ये दूसरा वाला देखो, परी के पास ये क्या है। देखो। ये देखो, ये नए नए तरीके के लॉलीपॉप्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।